मुख्यमंत्री साहब, ये तस्वीरें और ये पानी के लिए हाहाकार मचाते लोग पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गुरु जी के पड़ोसियों की है। मैं सरकार से और कल्पना सोरेन जी से अनुरोध करता हूँ कि आप हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के घूम घूम के वोट मांगते हैं, कभी आके देखते कि पानी की क्या समस्या है। आदिवासी महिलाएं रो रही हैं, दलित को पानी का बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप संज्ञान नहीं लेंगे तो जनता आने वाले समय में आपको उखाड़ फेंक देगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने पड़ोसी। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं चास नगर निगम यानी बोकारो जिले के चास नगर निगम के वार्ड संख्या 2 के आदिवासी टोले की है, जो गुरुजी के फार्म हाउस से महज कुछ दूरी पर अवस्थित है। साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ, यह कहकर निर्माण हुआ कि झारखंड में आदिवासियों का सुध लेने वाला कोई नहीं, इसलिए आदिवासी समाज के उत्थान के लिए 23 साल पहले झारखंड का निर्माण किया गया और कहा गया कि अब झारखंड में आदिवासी समाज को हर वो सुख और सुविधा दी जाएगी जिसके वो मोहताज हैं। आज 23 साल के बाद भी बोकारो के उपनगर चास में आदिवासी समाज जो वार्ड नंबर 2 में रहते हैं वो पानी बिजली के लिए हाहाकार कर रहे हैं। इसे देखकर हमें शर्म अब नहीं आती है, क्योंकि ये हमारा मुकद्दर बन चुका है। ये बोकारो शहर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि सुबह उठते के साथ लोग बिजली और पानी के लिए हाहाकार करें, ये अब किसी पत्रकार के लिए खबर नहीं है, क्योंकि ये खबरें दिखाते दिखाते हमारे कैमरे के बैटरी भी सूखने लगे हैं। लेकिन अधिकारी इन मामलों पर क्यों खामोश हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आज से चंद दिन पहले ही कई नेता नगर निगम पहुंचकर हर एक वार्ड की समस्या नगर निगम के अधिकारियों को लगातार बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आदरणीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, ये तस्वीरें वार्ड नंबर 2 की है, जहां पर आदिवासी समुदाय, गोप समुदाय के लोग, तुरी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। चंपे सोरेन जी मुख्यमंत्री एवं कल्पना, हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि चिराचास में पानी की समस्या बहुत है। अभी और इधर से उधर डेगची बाल्टी लेकर, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं जमा है कितना, सो इधर से उधर जाती है, किसी के दरवाजे पर जाती है तो कोई कहता है कि देंगे पानी, कोई कहता है नहीं देंगे पानी। फिर भी माने ये सब किधरों से पानी ला के पी रही है, पानी की समस्या बहुत है। इसी तरह इस समस्या को दूर किया जाए, मुख्यमंत्री से मेरा यही अनुरोध है और कल्पना जी से भी मेरा यही अनुरोध है, करते किसी भी तरह, किसी भी हालत में हम लोग को इस समस्या से पानी का कल्पना दीदी आवेदन दा कष्ट बना चिराचा आवेदन व्यवस्था है। सही सुन रहे हैं आप, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अधिकारी जब नहीं पहुंचते हैं, जिन पे भरोसा रहता है, जब वो नेता नहीं पहुंचते हैं तो शहर में एक नेता जरूर है जो गलियों की खाक छान रहा है और घर गलियों में जाकर बुजुर्गों से पूछ रहा है कि साहब आप बताइए हम आपके पंचायत में दिक्कत क्या है। शर्मा जी भी हमारे साथ है, आज डॉक्टर प्रकाश भी फिसल गए, उनकी जुबान भी फिसल गई, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अधिकारी अगर नहीं उनकी बातों को मानते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो बहुत जल्द वो कर गुजरेंगे जो किसी नेता ने नहीं किया है। जी हिमांशु जी, जैसा कि तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर बता रही है, इसको देखकर कोई भी उग्र हो जाएगा, चाहे आम हो या खास। और डॉक्टर प्रकाश, जब कहा जाता है कि आज इस 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में जब लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं, ये एकमात्र ऐसे नेता है जो आपको पंचायतों में नजर आ जाते हैं, नगर निगम क्षेत्र में नजर आ जाते हैं और आज
जब वार्ड संख्या 2 के आदिवासी टोला में सबसे बड़ी समस्या पानी के रूप में सामने आई, तो ये वहां पर भी पहुंच गए गरीबों की आवाज बनने के लिए। तो चलो ये सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जब डॉक्टर प्रकाश ने लोगों के दर्द को सुना, और दर्द को सुनने के बाद क्या किया वो अनोखी तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। चास में आदिवासी टोला आए हुए हैं, यहाँ तुरी लोग भी रहते हैं, गोप लोग भी रहते हैं, जो प्योर झारखंड के मूल वासी हैं, जिसकी बात कल्पना सोरेन जी करती हैं, जिसकी बात चंपई सोरेन जी करते हैं, जिसके विकास के नाम पर वोट लेकर जीतते हैं और सरकार झारखंड में चला रहे हैं, करोड़ों रुपए मंत्री के यहाँ से मिल रहा है, बोरा का बोरा पैसा उनके नौकरों के यहाँ से मिल रहा है, लेकिन ये लोग पानी के बिना मर रहे हैं। एक एक आदमी कहीं बोरिंग नहीं है, आप यहाँ आबादी 1000 लोग रहते हैं, बोरिंग है तो खराब है, आप देखिएगा ये टंकी बैठा हुआ है तो इसे पानी नहीं आ रहा है, दो दो किलोमीटर से तीन तीन किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं। अगर व्यवस्था पानी का दुरुस्त नहीं किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, तो जिला प्रशासन को जाकर हम लोग दुरुस्त कर देंगे। ये अपराध है पानी नहीं देना, लोग गर्मी से प्यासे मर रहे हैं। आप फिर वो चुनाव के समय आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर तरह तरह का प्रलोभन देंगे, आप कर क्या रहे हैं? चारों तरफ जिला चास में इन लोगों के जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा है, अगर जांच कर दिया जाए तो प्रशासन के लोग जेल चले जाएंगे। मैं हेमंत सोरेन सरकार से इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि भाजपा पूरे एक्शन मूड में है, जहां विधायक सांसद और पूर्व मंत्री सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर प्रकाश ये 44 डिग्री टेम्परेचर में लोगों के बीच है। शर्मा जी, डॉक्टर प्रकाश का ये अनोखा तस्वीर फिर से आया है, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश इसके लिए मशहूर भी है नए नए तरीके को ईजाद करने के लिए। बिल्कुल, इससे पहले आपने देखा कि कल या परसों गए गांव में गए हुए थे, बिजली की समस्या लोगों ने उनके सामने रखी थी, और आज वार्ड संख्या 2 कहा जाता है चास नगर निगम में बेहतर सुविधा है, तो आप सुविधा देख लीजिए। इससे पहले हमारे जो अपर नगर आयुक्त थे उन्होंने साफ कह दिया था कि 2 से 3 दिन में पानी सभी वार्डों में नॉर्मल तरीके से पहुँचने लगेगी। 1 सप्ताह हो गए, और आदिवासी समुदाय कहा जाता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा 1000 की संख्या में आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी हैं, गोप समाज से हैं, तुरी समाज से हैं, जिनके पास एक टंकी जरूर लगा दिया गया लेकिन उस टंकी में पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में लोग जाए तो जाए कहाँ। यही तस्वीर है चास नगर निगम की और वार्ड 2 की, जहां पर डॉक्टर साहब को पहुंचना पड़ा और डॉक्टर साहब भी आपे से बाहर हो गए दर्द देखकर। तो सुना ना आपने, हम इन तस्वीरों पर ही आपको छोड़े जा रहे हैं, अब आप ही फैसला कर लीजिए कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, जो नेता फेसबुक पर बैठकर केवल बड़ी बड़ी बातें करता हो, जो नेता अपने फेसबुक पर बैठकर केवल मीटिंग सिटिंग और ईटिंग कर चीटिंग करने का प्रयास करता हो, जो नेता केवल फेसबुक पर आपकी समस्याओं को समाधान करता हो। आपको ऐसे नेता की तलाश है कि आपको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो सड़कों पे आए और पूछे कि साहब जरा अपना दर्द मुझे बताए, आपके दर्द को हम एहसास कर उस डॉक्टर के पास पहुंचाने का काम करेंगे जिसके पास आपके दर्द का इलाज है।